स्वर्ग का राज निकट आ गया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7। आप सबको जय यीशु। कल का सुसमाचार में हम लोगों ने सुना था, प्रभु ईश्वर का फसल काटने के लिए, ईश्वर का राज्य में काम करने के लिए मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार देखिएगा किस प्रकार वो 12 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उनको अधिकार देते हैं। उनका नाम भी आज का सुसमाचार में हमारे सामने रखा गया है। प्रिय भाई और बहनों, क्यों प्रभु 12 प्रेरितों को चुनते हैं? क्या प्रभु ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद नाते अपने से ईश्वर का राज्य को प्रकट नहीं कर सकते थे? प्रभु चाहते थे जो ईश्वर का अनुभव उनमें है वो दूसरों में बांटे, इसे ईश्वर का राज्य और आगे सब तक पहुंच पाए। ईश्वर अपने कार्य है तो प्रिय भाई और बहनों, जिसे चाहता है किसी ना किसी रूप से उसे बुलाए लेता है। शायद किसी को प्रार्थना करने के लिए, शायद किसी को दो अच्छे शब्द दूसरों के लिए बोलने के लिए, शायद किसी को दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को समय देने के लिए, दूसरों के साथ बैठने के लिए। ये सब ईश्वर का कार्य है, ईश्वर का बुलावा है जब उनके निहित हम करते हैं। यदि हम इस बुलाहट से दूर भागने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु अपने तरीका अपनाते हैं उसको संपूर्ण करने के लिए। यह रहस्यमय बुलाहट मेरे प्यारे बंधुओं, अपने मर्जी से नहीं, हमारे मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होती है। मेरे प्यारे यीशु में विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु प्रेरितों को चुनने के बाद उनके साथ रहकर उनसे कुछ सिखाते हैं। जब एक बार सब कुछ सीख लेते हैं, वो स्वर्ग राज की स्थापना एवं सुसमाचार फैलाने के लिए उन्हें भेजते हैं। स्वर्ग राज क्या है? जहां पे शांति, प्रेम, अमन, मिलनसारे, ये सब राज्य करता है। शायद प्रभु भी आपको किसी न किसी प्रकार से बुलाते होंगे, बुलाए होंगे, दूसरों के जीवन में एक तारा बनकर, एक रे ऑफ होप बनकर, आशा का किरण बनकर उनके जीवन में आने के लिए। हम दैनिक जीवन में जब प्रभु का वचन को सुनते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, उस दिन कौन सा अच्छा कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं? प्रभु हमें शायद पुरोहित बनने नहीं, शायद धर्म बहन बनने नहीं, लेकिन जो जीवन हम बिताना चाहते हैं, जो जीवन हम जीना चाहते हैं, उसके द्वारा ही उनका वचन को दूसरों में पहुंचाने के लिए बुलाते होंगे। क्या हम इसको नजरअंदाज करते हैं कि हम केवल उन्हीं लोगों को प्रार्थना करते हैं जो हमारे हैं, जो हमसे ताल्लुकात रखते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं? प्रभु चाहते हैं हम सबके लिए दुआ करें, सबके लिए प्रार्थना करें, ताकि ना केवल किन्हीं लोगों को उद्धार हो लेकिन सबका उद्धार, क्योंकि प्रभु सबके लिए आए थे। आइए इन प्रेरितों से द्वारा प्रभु यीशु से दुआ करें, प्रार्थना करें, हम भी उनका वचन को सुने, वचन के साथ चले और उस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। आमीन।